हम इकोनॉमिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होती है कि इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट करना है या नहीं करना. मैं एक आधा टॉपिक भी आज डिस्कस करूंगा उसमें, ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए. सेकेंडली ये कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि इकोनॉमिक्स को कैसे हमने ट्रीट करना है. जब आप नॉर्मली ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स इन ग्रुप वन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि पहले जो पांच सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है या कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे आईआर भी चूज करते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस भी चूज करते हैं स्टूडेंट्स, ऑडिट अकाउंटिंग की तरफ वही जाते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ भी वही जाते हैं. इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल में ये बात आती है कि क्या ये सिर्फ इकोनॉमी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिस्ट अगर ऑप्ट करें तो वो गुड स्कोर ले सकते हैं या नहीं ले सकते. सेकंड बात, जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिल में ये आती है कि अगर हम इकोनॉमिक्स को प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप वन, तो क्या ये स्कोर देगा या नहीं देगा. तो मैंने पहले भी वीडियोज काफी रिकॉर्ड की हैं दैट हाउ टू टैकल इकोनॉमिक्स, हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्टफ ऑफ इकोनॉमिक्स, how to take care of the syllabus that we have in economics and the past paper theme, meri kafi videos hain, ab wo bhi dekh sakte hain. But aaj main isko focus karunga for specially for those students who do not have background of economics aur wo opt karna chahte hain economics lekin dar rahe hain because unko guide karne wala koi nahi hai aur because unko samjhane wala koi nahi hai ki economics kya hai aur kya nahi hai. How do we score in economics? How do actually students can get good score in economics after opting them and when they do not have a background of economics? So, isme un students ke liye bhi ek basically ek guidance hai ke actually they need not to worry when they prepare some other subjects in which they do not specialize, unki specialization nahi hai, wo prepare usko bhi karte hain to economics ko bhi same ट्रीट किया जाता है. एक बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में जाता है कि क्या इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, क्या पेपर वन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशंस और सिर्फ ग्राफ्स की बेस पे स्टडी किया जाता है, और क्या पेपर वन को मैथमेटिक्स के बगैर ट्रीट किया जा सकता है, या उसकी थ्योरी को मैथमेटिक्स के बगैर और ग्राफ्स के बगैर और इक्वेशंस के बगैर ट्रीट किया जा सकता है. तो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कलेक्टिवली इज दैट mathematics, yes, there is some derivation, small derivations of economics, जो हम mathematics के help से हम derive कर रहे होते हैं चीजें. For example, consumer behavior में derivation of consumer equilibrium जो है. For example, aggregate demand supply में थोड़ी सी mathematics है. इसी तरह से सिर्फ equation की हद तक. For example, elasticity में calculation of elasticity, simple calculation है. You know the formula, you just have to put the values in that formula. And so on and so forth. So we have graphs, we have smaller proportion of mathematics, which actually anyone can do if does not have an interest in economics or even in mathematics. Paper one theories पे base करता है और paper two जो purely है वो discussion based paper है. आज हम paper one में एक portion है जो money and banking का portion कहलाता है. उस मनी एंड बैंकिंग में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली, जब हम क्वांटिटी थ्योरी की बात करते हैं, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे. अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या? मैं ये टॉपिक स्पेसिफिकली डेमो क्लास में रखने की रीजन यही थी कि इसमें एक इक्वेशन है, छोटा सा मैथमेटिकल पोर्शन है और एक थ्योरी है. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि देयर इज अ फॉर्मूला जिस पे ये थ्योरी डिपेंड करती है. एम स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, P
इज द प्राइस लेवल एंड वाई इज द इनकम नेशनल इनकम. अब ये एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला. इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है दैट व्हाटसोएवर द मनी स्ट्रक्चर वी हैव, दैट इज मनी सप्लाई एंड द वेलोसिटी ऑफ मनी, दैट इज इक्वल टू कलेक्टिवली द जीडीपी और आउटपुट और इनकम ऑफ अ कंट्री, दैट इज प्राइस इनटू प्राइस लेवल इनटू द इनकम ऑफ द कंट्री. अब जितना पैसा मौजूद है और जितनी इनकम जनरेट हो रही है वो इक्वालिटी में मौजूद है. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज. अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की सबसे पहली अजम्पशन, ये जो वेलोसिटी है, दिस वी, दिस वेलोसिटी, इट इज कॉन्स्टेंट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलोसिटी. हम वेलोसिटी को क्यों कॉन्स्टेंट रखते हैं? वेलोसिटी को अगर हम इसी फॉर्मूला से मेजर करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है, एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई, वेलोसिटी वुड बी पी वाई ओवर एम. दैट मींस दिस मनी सप्लाई हैज नेगेटिव रिलेशनशिप वेलोसिटी विद वेलोसिटी. इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेस इट विल लीड टुवर्ड्स डिक्लाइन इन द वेलोसिटी. नाउ दैट मींस जस्ट अ मिनट बेटा, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वीडियो सेक्शन. मैं इसको करेक्ट कर लूं फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो आई वॉज टेलिंग के जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी. एंड मनी सप्लाई को डील करने के लिए स्टेट बैंक या फेडरल बैंक किसी भी कंट्री का वो टेक केयर करता है मनी सप्लाई को. मनी सप्लाई का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ नेगेटिव है. अब मनी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो वेलोसिटी के साथ नेगेटिव इस वजह से है. अब पहले इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक डेफिनेशन वेलोसिटी की ये बनती है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ करेंसी नोट चेंजेस हैंड्स, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक करेंसी नोट ने या एक करेंसी नोट कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितने लोगों के पास रोटेट हुआ और उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की. हम वेलोसिटी को अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हम अज्यूम करते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. व्हाई डू वी से इट इज कॉन्स्टेंट? बिकॉज जब भी कोई करेंसी नोट, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्रिंट होके आया, मैंने आगे उससे कोई बाइंग की, वो शॉपकीपर के पास गया, वो शॉपकीपर के पास की थर्ड पर्सन के पास गया, फोर्थ के पास गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ. अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड आएगा जब वो करेंसी नोट वुड नॉट बी फिट फॉर द यूजेज ऑफ ट्रांजेक्शन, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी. ये लाइफ कितनी है, दैट हाउ मेनी टाइम्स अ करेंसी नोट चेंजेस हैंड्स, ये उसकी क्वालिटी और स्टेट बैंक जो प्रिंट कर रहा है करेंसी को वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये इतने टाइम्स यूज होने के बाद इट वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज, ये खराब हो जाएगा, फट जाएगा. सो जितने टाइम्स वो चेंज करता है हैंड्स, लेट्स से वी हैव अ 10 रुपी नोट एंड इट चेंजेस हैंड्स फॉर 100 टाइम्स एंड आफ्टर 100 टाइम्स इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द नोट वुड बी नॉट लाइक टू बी यूज्ड बाय द पीपल, या वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी. तो 100 क्या है? इस 10 रुपी नोट की वेलोसिटी है, दैट 100 टाइम्स उसने हैंड्स चेंज किए और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वो चेंज होता चला गया. दैट इज व्हाई करेंसी नोट्स की जो वेलोसिटी है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट होती है, बिकॉज मे बी ये करेंसी नोट ऑन एवरेज 100 से कम या ज्यादा भी चल सकता है, बट ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो हम अज्यूम करते हैं दैट इज कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम.
अब इसमें मैंने बात की कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. नाउ दिस इज द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई अगर चेंज होती है, फॉर इंस्टेंस इनिशियली वी हैव 10 नोट्स और हर नोट की वेलोसिटी 100 है, इट बिकम्स 1000. 100 into 10 becomes 1000. So 1000 times जो है ये 10 notes जो है ये use हो गए. अब अगर money supply बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि for instance हम कह देते हैं कि money supply पहले 10 notes economy में मौजूद थे, अब 12 notes हो गए. अब now if there are 12 notes तो ये जो use होगा it would be used for 1200 times. Now once it will be used for 1200 times, that means ये देखें velocity का जो effect है वो change हो गया. Change क्यों हुआ? Because हमने money supply 10 से increase करके 12 की तरफ ले गए, increase किया. So money supply if it increases, velocity decreases. क्यों decrease होती है? क्योंकि अगर मेरे पास पहले 10 note हैं तो मैं उन 10 notes को economy में use करूँगा. If I will have 12 notes तो जो हर नोट का यूजेज है वो पहले से कम हो जाएगा. दैट मींस वेलोसिटी विल गो डाउन इफ देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई. सो दैट इज व्हाई वी से दैट मनी सप्लाई हैज नेगेटिव रिलेशनशिप विद द वेलोसिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. नाउ दिस पी वाई हमने कहा था शुरू में दिस मॉडल इज फॉर वेलोसिटी. दिस मॉडल इज MV is equals to PY, which is the quantity theory of money model. इसमें velocity को अगर हम calculate करें PY over M, let's say we have some mathematical calculations in order to have measure velocity. उसको भी हम करके देख लेते हैं कि अगर हम velocity को measure करना चाहें और हमारे पास values हों, let's say we have price level 12, we have income level 10. And we have money supply is equals to 10. Velocity, the formula of velocity is PY over M. PY kya hai? Simply P into Y, 12 into 10 divided by 10. So 12 into 10 becomes 120 divided by 10. And velocity is 12. Ab agar money supply ko main change kar dun aur 20 kar dun. यहां पे भी 20 कर दूं, यहां पे भी 20 कर दूं. सो जो हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी है दैट वुड बी इक्वल टू 6. मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से वेलोसिटी डिक्रीज होगी. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी. एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी इट वुड लीड टुवर्ड्स इट वुड बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मनी सप्लाई. एंड क्वांटिटी थ्योरी कहती है कि एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द इकोनॉमी वुड अल्टीमेटली डिसाइड द टोटल लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. वो ये प्रोपोर्शन है एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई. हमने इसमें अज्यूम किया था कि ये जो वेलोसिटी है ये कॉन्स्टेंट है. अगर हम वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट रखते हैं, यहां पे अगर हम देखें एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, मनी सप्लाई कैन चेंज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट वुड अल्टीमेटली लीड टुवर्ड्स अ चेंज इन द पी ओवर वाई, पी इन टू वाई. लेट हमने देखा अगर हम इन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करें, सो मनी सप्लाई जो हमने पहले रखी थी दैट इज 10 और जो वेलोसिटी हमने काउंट की दैट वॉज 6, 10 इंटू 6 कर लें, इक्वल्स टू हमने जो प्राइसेस इनटू वाई रखी थी 12 इनटू 10. सो 60 इज इक्वल्स टू ये बनता है 120. बट नाउ आर दीज नंबर्स इक्वल? नो दे आर नॉट. दैट मींस कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो मनी सप्लाई और वेलोसिटी है दैट इज 60 तो हमारी जो इनकम है दैट शुड आल्सो बी 60 इन द इकोनॉमी. लेवल ऑफ जीडीपी जो है दैट शुड आल्सो बी 60 इन द इकोनॉमी बिकॉज देयर इज एन इक्वालिटी साइन. एंड दिस इज व्हाट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सेज, दैट व्हाटसोएवर इज द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इट विल हैव द सेम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी.
सो ये एक छोटी सी थ्योरी और उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, और इसमें छोटा सा मेथड, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक इक्वेशन थी उससे हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, उसमें हमने बता लिया, इसको हम फिशर इक्वेशन भी बोलते हैं, और उसमें हमने बता दिया कि जी वेलोसिटी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें बहुत छोटा छोटा मैथ, छोटी छोटी कैलकुलेशंस और एक दो इक्वेशंस की बेसिस पे, हो सकता है कोई ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद हो उसमें, उसको भी। सो पेपर वन इन चीजों पे बेस कर रहा होता है। पेपर वन का स्ट्रक्चर, जस्ट टू लेट यू नो फॉर दो स्टूडेंट्स जो इन टच नहीं है सिलेबस के साथ, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। ये छह कॉम्पोनेंट्स, छह सब्जेक्ट्स, छह मेन स्ट्रीम्स हैं पेपर वन की इकोनॉमिक्स के अंदर। पेपर टू के अंदर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ट्रेड एंड एड है, इसी तरह से पब्लिक सॉरी इकोनॉमिक प्लानिंग है, और एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज हैं। सो ये पेपर टू का सारा, और प्राइवेटाइजेशन और डीनेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन है। सो ये पेपर टू का स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इफ इट इज टेकन केयर ऑफ, अगर आप इसको ठीक से पढ़ सकते हैं, इन टॉपिक्स को ठीक से स्टडी करते रहें, साथ साथ रेफरेंस मटीरियल से आप पढ़ते रहें, सो इट इज एग्जैक्टली द सेम एज यू स्टडी सम अदर सब्जेक्ट्स। So you need not to worry about the syllabus, you need not to worry about the marking scheme. Ab quantity theory of money ki agar hum baat kare to quantity theory of money ke upar repeatedly question aaya hua hai. Agar aap public money and banking ka jo portion hai uske past papers dekhe to 4-5 dafa last 10 years mein quantity theory of pe question aaya hai ki explain the concept of quantity theory or what is the quantity theory of money, is type ke simple questions quantity theory pe aaye. If you just explain these formulations or inke equalities ko aap explain kar dete hain, so that means ya concept explain kar dete hain, to this is all about quantity theory of money. And paper 1 ke andar length of the question does not matter, because paper 1 ke andar aapne concept ko explain karna hota hai. Agar koi equation hai usko explain karna hai, koi derivation hai usko explain karna hai. Derivations bhi choti choti hain, 4-5 lines ki derivations hain, wo bhi kuch questions mein hai, sab questions mein nahi hai. Aur graphs bhi कोई इतने मुश्किल ग्राफ्स नहीं है पेपर वन के अंदर, माइक्रो के अंदर थोड़े ज्यादा ग्राफ्स हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है, बाकी किसी जगह पे भी ऐसा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 2-3 ग्राफ्स हम स्टडी करते हैं, सो ग्राफ्स भी ज्यादा प्रोपोर्शन में मौजूद नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन ऑन मंडे, आई विल बी टीचिंग इकोनॉमिक्स, उसमें इट इज नॉट, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप इसको जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी रख सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं वो भी रख सकते हैं, बिकॉज आई हैव टॉट 2-3 स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड दे वर सेटिस्फाइड, और वो उनको लगता था कि दे कैन टेक केयर ऑफ दिस सब्जेक्ट वेरी इजीली। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई वॉन्ट यू पीपल टू ज्वाइन अस। हम सेशन इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे फॉर्मली, और उस सेशन में इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेपर वन एंड देन वी विल मूव ऑन टू पेपर टू। हमारा तकरीबन 7 वीक्स का ये सेशन होगा पेपर वन और पेपर टू को इंक्लूड करके, और उसमें इवनिंग क्लासेस ही हम रखेंगे, टाइम टेबल वुड बी कन्वेड जो लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो आई होप आज का लेक्चर या ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की है, इट वुड हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Okay, so the number of the coordinator is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. This is the number of the coordinator जिसको आप touch कर सकते हैं, call कर सकते हैं इनको आप, और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी क्वेरीज के लिए इवन, सो आप जो भी आपकी कोऑर्डिनेशन है वो इस नंबर पे आप कर सकते हैं और क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।